क्या लिखा, ओ माँ बाप कर जाते नाते चुकाया जा, माँ बाप कर जाते नाते चुकाया जा, तू उनने भूल गया, तू उनने भूल गया, ना उन पे भुलाया जा, माँ बाप कर जाते नाते चुकाया जा, माँ बाप कर जाते नाते चुकाया। किस प्रकार से उस मां के बारे में लिखा, मां ममता की मूरत, मां ममता की मूरत या दुखी बहुत होवे, मां ममता की मूरत या दुखी बहुत होवे, बन रखे सुखे में खुद गिले में सोवे, क्यों माँ अपनी औलाद को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है और जैसे ही वो 9 महीने के बाद उस संतान को जन्म देती है और जन्म भी किस प्रकार से देती है, कफन अपने सिरहाने रख करके वो माता उसको इस धरती पे लाती है, इस धरती माँ के प्रांगण में लाती है और किस प्रकार से क्या कहा, सूखे में खुद गिले में सोवे, सूखे में खुद गिले में सोवे, औलाद नु पलती ना, औलाद नु पलती ना, औलाद नु पलती ना, बड़ा कष्ट उठाया जा, कि मेरा लाल बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करेगा और किस प्रकार से केली खाता भी नहीं, जाओ पिता
अपने बेटे को नशे की हालत में देखता है, जुआ भांग धतूरा खाते पीते देखता है, गलत लत में वो लड़का पड़ जाता है, तो पिता की आंखें जो है शर्म से झुक जाती है और पिता कहने लगता है, या धरती पाटे ना, या धरती पाटे ना, या धरती ही पाटे ना, ना बीच समाया में लिखी। थोड़ा सा वेश करो इसके अंदर, हल्का सा उठा दो, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरी बात में कवि ने दो पंक्तियां अपने बारे में लिखी और किस प्रकार से क्या लिखा, सताने से भगवान भी माफ नहीं करता, कि जो अपने माता पिता को सताता है उसे भगवान के घर भी जगह नहीं मिलती, वहां भी उसके लिए आश्रय नहीं होता। जो कि अपने माता पिता को सताता है किस प्रकार से, राम केस पूजा दुनिया में आए थे, राम केस पूजा दुनिया में आए थे। बोल क्या लिखा, कि भगवान ना माफ करे माँ बाप सताए से, अरे कर राम केस पूजा इस दुनिया में आए थे। अगर अपने माँ बाप के लिए थोड़ा भी तेरे दिल में प्यार है तो इनकी सेवा कर। और किस प्रकार से क्या लिखा, भगवान ना माफ करे सताए ते, भगवान माफ करे माँ बाप सताए ते, कर राम